हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में टॉपिक है पर्सनलाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन इन ट्रैवल सिस्टम। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज समराइजेशन, किस तरह से गूगल हमको हमें जो भी हमारी क्वेरी होती है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन नीड होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो डॉक्यूमेंट को उसमें जो रिलेवेंट कोई भी पैसेज है वो आपको दिखाता है। ओके, ताकि आपको वो पढ़कर आपको पता चलेगा वेदर दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज रिलेवेंट और नॉट। ओके, आप पहले उसको रीड करते हैं और उसके बाद उस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करते हैं ताकि आपको पता चले कि ओके, जो मैं ओपन करने जा रहा हूँ वो एग्जैक्टली वही कंटेंट है जो मुझे चाहिए। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है पर्सनलाइजेशन का। क्या है पर्सनलाइजेशन, ये हम देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यूजिंग यूजर्स इंफॉर्मेशन लाइक नॉलेज, their goal, preferences, उसकी history क्या है। Generally ये जो concept है वो कब आता है, okay, for example जब user कोई किसी query को submit करता है तब जो search engine है उसकी एक common characteristic होती है। क्या characteristic होती है कि same query कितने भी बार क्यों ना submit की जाए, okay, लेकिन उसमें जो retrieved document का set होता है वो हर बार same होना चाहिए। यदि वो same नहीं है that means वहां पर जो रिट्रेवल मॉडल जो भी इम्प्लीमेंट किया गया है वो ठीक ठाक नहीं है। ओके, यदि सेम क्वेरी कितने भी बार क्यों ना सबमिट की जाए उसमें जो रिट्रेव डॉक्यूमेंट होते हैं वो सेम होने चाहिए। अब सिचुएशन ये होती है कि जो भी क्वेरी है वो हर यूजर के लिए उसका जो कंटेक्स्ट होता है वो अलग अलग होता है। ओके, किस तरह से अलग होता है वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज में देखिए किसी यूजर, यहाँ पर टोटल आपको देखिए टोटल यहाँ पर 6 यूजर्स है। ओके, उस सारे यूजर्स ने सेम क्वेरी ही लेट्स से कि गूगल बाबा को सबमिट की है। ओके, सो ये पर्टिकुलर यूजर क्या कहता है, माय सर्च रिजल्ट्स आर नॉट रिलेवेंट। ओके, इसको जो भी क्वेरी सबमिट की उसके अकॉर्डिंगली गूगल ने इसको रिट्राइव डॉक्यूमेंट है वो रिट्राइव करके दी है डॉक्यूमेंट सेट। इस यूजर के लिए वो जो भी डॉक्यूमेंट उसको रिट्राइव होते हैं वो रिलेवेंट नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो यूजर है माय सर्च रिजल्ट्स आर टू फार अवे, दैट मींस यहाँ पर तो कुछ कनेक्शन ही नहीं बनता है। इसने क्वेरी जो भी सबमिट की थी उसके अकॉर्डिंगली उसको रिजल्ट्स नहीं मिला। ओके, सब कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं जिसके लिए माय सर्च रिजल्ट्स आर जस्ट राइट, दैट मींस उसे जो भी कंटेंट चाहिए थी एग्जैक्टली उसे वही कंटेक्स के अकॉर्डिंगली उसका डॉक्यूमेंट रिट्राइव होता है। माय सर्च रिजल्ट्स आर एग्जैक्टली राइट, दैट मींस एग्जैक्टली उसे जो चाहिए था वही उसको मिलता है। ओके, सो इस तरह अब देखिए मल्टीपल्स यूजर्स आर देयर, सेम सर्च क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड एंड स्टिल रिलेवेंसी डिपेंड्स ऑन यूजर। ओके, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए। अब कई बार तो यूजर को ही नहीं पता चलता होता है कि उसको क्या चाहिए, लेकिन वो अलग पॉइंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर्च इंजिन, अब सर्च इंजिन इस इश्यू को किस तरह से उसको सॉल्व करे, किस तरह से वो यूजर को सेटिस्फाई करे। ओके, सो दैट इज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। अब जो टिपिकल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम होती है उसमें सिनेरियो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टेक्निक इट मेजर द रिलेवेंस बोले तो कि क्वेरी और हमें जो रिट्राइव डॉक्यूमेंट मिलते हैं वो कितने रिलेवेंट करते हैं। वो यदि वो एग्जैक्टली वही है जो यूजर को चाहिए दैट मीन्स इट इज अ गुड रिलेवेंसी। ओके, एंड दिस रिलेवेंस फंक्शन इट वर्क्स एज अ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द यूजर्स, दैट मीन्स वो जनरल सिनेरियो को काउंट करके उसका जो टेक्निक्स है वो इम्प्लीमेंट होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर यूजर को कंसिडर करके किसी फंक्शंस का इम्प्लीमेंट होता है। ओके, रिलेवेंसी के लिए इट डज नॉट एक्नोलेज दैट रिलेवेंस इज रिलेटिव फॉर ईच यूजर। ओके, वो जो हम जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं वो ये बात नहीं जानता है कि जो रिलेवेंसी होती है वो रिलेटिव होती है ईच यूजर के लिए, दैट मीन्स कि हर यूजर के लिए रिलेवेंसी मेजर है वो अलग अलग होते हैं। ओके, there needs to be a way to take into account that different people find different things relevant and that people's interest and knowledge change over time, that is known as a personal relevance. For example, maine yahan par ek query type ki, let's say google mein maine type kiya, okay whatever aapko jo bhi consider karna ho kar lijiye, aur mujhe google kuch results deta hai, to
इस बार के लिए मुझे वो रिजल्ट सेटिस्फाइड लगे, ओके मुझे यही कंटेंट चाहिए था. अब बाय द टाइम मैंने वही क्वेरी फिर से एग्जीक्यूट की है, गूगल में सर्च की है, उसके जो रिजल्ट मिलता है वो सेम ही है, लेकिन अब इस बार मुझे उस रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे कुछ और चाहिए था. ओके सो उस चीज को क्या बोलते हैं, पर्सनल रिलीवेंस. ओके सो इस तरह से भी इश्यू होता है. तो अब क्या ऐसा किया जाए ताकि यूजर रिलीवेंसी ज्यादा हो, दैट मीन्स यूजर को जो चाहिए वही मिले. ओके क्योंकि यहां पर तो दोनों ही चेंज होते हैं, यूजर यूजर के बीच में तो चेंज होती है रिलीवेंसी, लेकिन एट अ टाइम यूजर के यूजर को जो चाहिए वो भी चेंज होता रहता है. सो जनरल अप्रोच फॉर मिटिगेटिंग दिस चैलेंज इज देयर आर टोटली बेसिकली देयर आर टू वेज. द फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट री रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई क्वेरी सबमिट की है, ओके इन्फॉर्मेशन नीड मेरी, और जब भी मैंने सबमिट की है तो मुझे जो मेरे एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मुझे जो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न सेट होता है उसमें मुझे रिलीवेंसी कुछ कम मिलती है. तो अब ऐसे केस में क्या होता है, डॉक्यूमेंट री रैंकिंग परफॉर्म की जाती है. उसमें क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, रिसेंसी और ड्यूरेशन ऑफ यूजेज. प्रोवाइड्स यूजर विद द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉपुलर फैडिश पेजेस दैट अदर यूजर्स हैव सीन. यदि कुछ ऐसा होता है कि यूजर को जो एग्जैक्टली चाहिए था वो नहीं होता है, तो उसको री रैंकिंग, डॉक्यूमेंट की री रैंकिंग होती है. और री रैंकिंग में कौन से डॉक्यूमेंट है वो रिट्राइव होते हैं, जो मोस्ट यूजर्स ने सीन किए होते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स री रैंकिंग में हाई रैंक होते हैं और उसको वो रिप्रेजेंट किया जाता है. सेकेंड वन इज क्वेरी रीफॉर्मुलेशन टू कंपेयर द एंटेड क्वेरी अगेंस्ट द कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू डिटरमाइन इफ द क्वेरी कैन बी रिफाइंड और रीफॉर्मुलेटेड टू इंक्लूड द अदर टेक्स्ट. जनरली आप जब ऐसा जनरली काफी बार होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया हाउस इंटीरियर डिजाइन. ओके सो वहां पर यदि मैं आपने देखा होगा जब आप स्क्रॉल करके नीचे या फिर आपको मिडल में कई बार इस तरह से सजेशन मिलते हैं, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर समथिंग लाइक दैट, और गूगल आपको सजेशंस देता है. ओके और काफी बार कई बार स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कंटेक्स्ट मिसमैच होता है तो गूगल आपको वो भी प्रोवाइड करता है. सो दैट इज द थिंग ऑफ क्वेरी रीफॉर्मुलेशन. ओके और कई बार जब आप इवन क्वेरी टाइप भी कर रहे हैं तब भी आपको ऑटोमेटिक नीचे लिस्ट आउट उसकी हो जाती है. ओके सो इस तरह से भी उसको रीफॉर्मुलेट किया जाता है. अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ पर्सनलाइजेशन टोटल देर आर, इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप, प्री रिट्राइवल पर्सनलाइजेशन, ऑन रिट्राइवल पर्सनलाइजेशन एंड पोस्ट रिट्राइवल पर्सनलाइजेशन. ओके प्री रिट्राइवल दैट मीन्स डॉक्यूमेंट रिट्राइव होते हैं उससे पहले ही पर्सनलाइजेशन परफॉर्म किया जाए. अब यहां पर देखिए इस इमेज में ये जो है उसका मॉडल है, क्वेरी जो है, ओके क्वेरी और यूजर मॉडल दोनों को कंबाइन करके क्वेरी को रीफॉर्मुलेट किया जाता है और उसके बाद रैंकिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस की जाती है. दैट मीन्स कि हमें जो डॉक्यूमेंट रिट्राइव करके जो हमें मिलते हैं बाय द रिट्राइवल सिस्टम. अब यहां पर वर्ड है यूजर मॉडल. क्या है यूजर मॉडल? यूजर मॉडल दैट इज काइंड ऑफ यूजर की प्रोफाइल्स, उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बारे में जो भी कंटेक्स्ट है उसको कंसिडर करके और उसकी हिस्ट्री और क्वेरी जो हमारे पास होती है वो कितनी मैच होती है, कितने परसेंटेज से मैच होती है, उसके हिसाब से हम क्वेरी फॉर्मुलेट करेंगे और उसके हिसाब से हमें रिजल्ट है वो रिट्राइव होंगे. After that, there is the second scenario, that is the on-retrieval personalization. Okay, इसमें क्या होता है, जो query, for example, let's say कि यहाँ पर मैंने कुछ query, let's say query 1, submit की Google में, okay? और उसके मुझे कुछ initial results मिलते हैं, और result मिलते ही उसके बाद हम user model की जो भी information हमें जो भी मिलता है उसके हिसाब से हम re-ranking करते हैं और उसमें हम topic categorize करते हैं. ओके सो दैट इज द फ्लो ऑफ ऑन रिट्राइवल पर्सनलाइजेशन. पोस्ट रिट्राइवल पर्सनलाइजेशन में क्या होता है, क्वेरी का जो इनिशियल रिजल्ट आता है उसको और यूजर मॉडल को कंसिडर करके पर्सनलाइज री रैंकिंग किया जाता है. ओके जनरली यूजर मॉडल इज काइंड ऑफ, मैंने
आज तक कितने सर्च परफॉर्म किए हैं, ओके, दैट इज काइंड ऑफ अ हिस्ट्री टाइप. आफ्टर दैट इन व्हाट एनवायरमेंट आई एम वर्किंग, व्हाट डॉक्यूमेंट आई हैव रिफर्ड अर्लियर, मेरी प्रोफाइल क्या है, ओके. सो इस तरह आपने जनरली देखा होगा कि आप यदि आप अमेजोन में कुछ सर्च करते हैं, ओके, लेट्स से कि मैंने परफ्यूम के लिए मैंने सर्च की क्वेरी डाली थी अमेजोन में, मुझे कुछ कोई परफ्यूम दिखे थे, तो आप जो भी किसी वेबसाइट पर आप यदि विजिट कर रहे होते तो वहां पर आपको उस पर्टिकुलर थिंग की आपको एडवर्टाइज मिलेगी. सो वहां पर वो क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस कंसेप्ट ऑल्सो. वहां पर उसने यूजर मॉडल को कंसिडर किया था कि यूजर ने प्रीवियसली उसकी क्या एक्टिविटी रही है, उसके बेस्ड ऑन उसने एडवर्टाइजमेंट की, ओके. सो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम होता है, क्वेरी और यूजर मॉडल उसकी हिस्ट्री को कंपेयर करके, उसकी हिस्ट्री को कंसिडर करके क्वेरी रिबिल्ड की जाती है और उसके अकॉर्डिंगली री रैंकिंग परफॉर्म किया जाता है, ओके. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए है, टोटल यहाँ पर कितने यूजर्स है, यूजर 1, 2 एंड 3, ओके. एंड ओरिजिनल क्वेरी क्या है, लेट्स से कि वर्ल्ड कप, ओके, दिस इज वर्ल्ड कप. अब देखिए जो यूजर 1 है वो फुटबॉल का उसका बैकग्राउंड है, दैट मींस इसको बोलते हैं कि उसको यूजर मॉडल में हमें जो उसकी जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या है, फुटबॉल की है, ओके. सो यहां पर वर्ल्ड कप, दैट मींस यदि गूगल ने उसको क्रिकेट के वर्ल्ड कप के जो डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके दिए तो दैट इज useless for user 1, but it is very useful for user 3, because user 3 and also for user 2. लेकिन user 2 और 3 के लिए भी वहां पर वो categorize करते हैं कि user 2 को world cup की ही information चाहिए थी, लेकिन वो ICC cricket world cup की बात कर रहा था, जबकि user 3 उसका context कौन सा था, T20 cricket world cup की बात कर रहा था, okay. Again यहाँ पर दूसरा example है India crisis. अब देखिए क्राइसिस तो किसी भी डोमेन में हो सकते हैं, लेकिन अब तो ये बेचारा हमारा सर्च इंजन कंफ्यूज हो गया ना कि किस क्राइसिस को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं. सो यूजर 1 के लिए यदि वो इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया इस तरह से इसको रिफॉर्मुलेट करके यदि वो रिप्रेजेंट करता है, देन इट इज ओके. अदरवाइज वॉट एवर डॉक्यूमेंट विच इज रिट्राइव बेस्ड ऑन दिस इनिशियल क्वेरी इंडिया क्राइसिस इज नॉट रिलेवेंस फॉर यूजर 1, ओके. आफ्टर दैट सिक्योरिटी क्राइसिस भी हो सकते हैं जो कि यूजर 2 के लिए रिलेवेंट है लेकिन 1 एंड 3 के लिए रिलेवेंट नहीं है, ओके. आप देखिए आफ्टर दैट यहाँ पर ओकापी, ओके. यदि आपने मेरे पूरी इस प्लेलिस्ट को देखा होगा तो आपको पता होगा कि ओकापी मॉडल यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में है, ओके. यहाँ पर देखिए ये जो यूजर 3 लगता है कि वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, दैट मीन्स वो आप ही की तरह है, ओके. सो स्टूडेंट है और उसके लिए वही रिट्राइवल, उसको वही रिलेवेंस लगता है, इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल मॉडल VM25, ओके, बेस्ट मैच 25, दैट इज VM25. इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ जिराफ, ऑल्सो एनिमल जिराफ, ओके. सो यूजर 1 के लिए वो थोड़ा एनिमल टाइप, उसको नेचर से जियोग्राफी एनिमल्स वो सारे उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह सा था, उसको उसके लिए वो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है, ओके. सो इस तरह से उसकी पर्सनलाइजेशन को देखते हुए क्वेरी को रिफॉर्मुलेट किया जाता है. अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर बोल तो दिया कि यूजर मॉडल के अकॉर्डिंगली उसको क्वेरी को रिफॉर्मुलेट करते हैं, लेकिन जब भी हम यूजर मॉडल की बात करते हैं तो वहां पर एक इश्यू आता है, दैट इज द प्राइवेसी, ओके. अब जब वो आपने देखा होगा कि अब इंटरनेट यूजेज है वो बहुत ही बढ़ गया है और कुछ बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट होते हैं यदि प्राइवेसी नहीं होती तो. एंड करंट इज ट्विटर, करंट एग्जांपल इज ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ओके. सो एक यहाँ पर हमारे पास यूजर मॉडल में भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है, ओके. हमें एग्जैक्टली जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें यूजर मॉडल में से नहीं मिल सकती है, कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है और उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेरी को रिफॉर्मुलेट कर सकते हैं और हमें कुछ अदर नए रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर यूजर के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, ओके. सो दैट्स इट इन पर्सनलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम. आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.